सो काफ़ी सारे लोगों के हमारे पास ये क्वेरीज आती हैं फेसबुक पे, ईमेल पे, काफ़ी सारे लोगों ने हमसे यूट्यूब पे पूछा कि ये जो आप प्री लेसिक वर्कअप टेस्ट के बारे में बात करते हैं आखिरकार ये होते क्या हैं। तो आज का वीडियो हम प्री लेसिक वर्कअप टेस्ट पे ही बना रहे हैं। प्री लेसिक वर्कअप टेस्ट यानी कि वो 5-6 तरह के टेस्ट जो एक पेशेंट को करवाने होते हैं लेसिक करवाने से पहले, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो पेशेंट लेसिक के लिए फिट है कि नहीं। तो आज हम इन टेस्ट को कैसे किया जाता है, क्या होता है इन टेस्ट में, और इन टेस्ट की इम्पॉर्टेंस या इन टेस्ट की सिग्निफिकेंस क्या रहती है, उस बारे में आज बात करेंगे। तो लेसिक वर्कअप टेस्ट में सबसे पहला स्टेप होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब है आपके चश्मे का नंबर निकालना। ये हम दो तरीके से करते हैं, मैनुअल और ऑटोमेटेड यानी कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, तो अभी आपको दिखाते हैं रिफ्रैक्शन कैसे होता है। सो ये जो टेस्ट हो रहा है ये कंप्यूटर के द्वारा चश्मे का नंबर निकाला जा रहा है। सो ये चश्मे का नंबर जो है ये मैनुअल तरीके से निकाला जा रहा है। हम दो तरीकों से चश्मे का नंबर इसलिए निकालते हैं ताकि हम श्योर रहें कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रही। नेक्स्ट हम लोग आपके दो मशीनों पे टेस्ट करते हैं। इन मशीनों को कहते हैं टोपोलाइजर और ऑक्यूलाइजर या फिर पेंटाकैम। इन मशीनों पे हम लोग आपकी पुतली का साइज नापते हैं, जिससे हम लोग देखते हैं कि कितने एरिया में हमको लेज़र करना है। कॉर्निया के कुछ मैप्स लेते हैं, कॉर्निया की हम थिकनेस लेते हैं ये देखने के कि ज़्यादा थिन तो नहीं है कॉर्निया, क्योंकि उनमें लेसिक नहीं हो सकता। तो ऐसे कुछ तरह के टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि आपकी आई परफेक्ट है और उसमें हम लेसिक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ते हैं एलेग्रो टोपोलाइजर। इसमें हम लोग कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं जो अगर आपको हाई एंड प्रोसीजर्स कराना है चश्मा हटाने के लिए, जैसे अगर आपको कंटूरा विजन कराना है तो उस टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं एलेग्रो टोपोलाइजर पे। ओके, सो मैम अभी आपका एक फर्स्ट टेस्ट करेंगे हम लोग लेसिक वर्कअप का, जो है टोपोलाइजर। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे चिन रखना पड़ेगा और आपको एक अंदर येलो लाइट है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि आप ब्लिंक नहीं करिए, जब जब मैं बोलूँ आपको तब ब्लिंक करनी है। ओके, ऑलराइट, बस बस देखते रहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बस ऐसे ही देखते रहिए, ब्लिंक करिए, ब्लिंक योर आईज। ओके, वाइडली ओपन, बड़ी सी आँख खोलिए। अब दूसरी आँख में करेंगे, प्लीज ब्लिंक नहीं करिएगा। देखते रहिए, ब्लिंक नहीं करना है आपको। ठीक, पीछे हो जाइए।
अभी ये आपका दूसरा टेस्ट है जिसको हम लोग ऑक्यूलाइजर और पेंटाकैम बोलते हैं, जिसमें आपका हम लोग थिकनेस मेजर करेंगे कॉर्निया का, ठीक है। जो उसमें आपने किया था वैसे ही आपको सेम प्रोसेस है, बस इसमें आपको रेड लाइट देखनी है। बस यहाँ पे चिन रखिए आप और सीधा रेड लाइट को देखिए, जब तक मैं नहीं बोलूँ आपको ब्लिंक नहीं करना है, ठीक है। फोकस रेड लाइट को फोकस करिए, बहुत बढ़िया, बस रेड लाइट को फोकस करिए और ब्लिंक नहीं करना, बस ब्लिंक नहीं करेंगे। ब्लिंक कर लीजिए, ब्लिंक कर लीजिए आप। ब्लिंक कर लीजिए, दूसरी आंख में करेंगे आपकी, सेम प्रोसेस है, बस आपको रेड लाइट को देखते रहना है। रेड लाइट को देखते रहिए, ब्लिंक नहीं करेंगे, ब्लिंक नहीं करेंगे। ओके, ब्लिंक कर लीजिए, सिट बैक, ठीक है, आपका दोनों टेस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है आंखों का प्रेशर निकालना। तो ये फिर हम दो तरीकों से करते हैं, एक मैनुअल तरीके से और एक ऑटोमेटेड तरीके से। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे होता है। Check your this eye pressure just to know how much pressure you have in your eyes. Okay, you need to remove your glass. Yes, and please place your chin down. So ये automated तरीका है जिसमें computer द्वारा हम eye का pressure check करते हैं। इस machine को कहते हैं हम लोग NCT या फिर non contact tonometer. Just sit back. Next step होता है आंखों की dryness को test करना। ये भी हम दो तरीकों से करते हैं। सबसे पहले एक टेस्ट जिसको हम शर्मर्स टेस्ट कहते हैं, जिनमें इन स्ट्रिप्स का यूज होता है, उसको करते हैं। और उसके बाद एक टेस्ट जिसको हम TBUT कहते हैं, वो टेस्ट हम आंखों के प्रेशर की जांच करते हुए उसके साथ करते हैं। सो मैम, अभी आपका एक बार ड्राइनेस हम लोग चेक करेंगे ये स्ट्रिप डाल के। मैं आपकी आंखों में ये स्ट्रिप डालूंगी, उसके बाद ये स्ट्रिप आपकी आंख के आंसू से जितना गीला हुआ, उसके बाद हम लोग पता करेंगे आपकी आंखें कितनी ड्राई है, ठीक है। उसके लिए आपको चश्मा रिमूव करना पड़ेगा और ऊपर देखना पड़ेगा, ऊपर देखिए, घबराइए नहीं, बस नॉर्मली ब्लिंक करते रहेंगे। थोड़ा सा आपको इरिटेशन होगा बट ये थोड़ी देर के लिए ही चलेगा, ठीक है, बस नॉर्मली ब्लिंक करिए। ओके, सो अब आपको दिखाएंगे कि मैनुअल तरीके से आंखों का प्रेशर कैसे लिया जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। सो प्रेशर चेक करने के लिए हम एप्लेनेशन टोनोमीट्री करते हैं। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें आईज को एनेस्थेटाइज करना पड़ता है एक ड्रॉप्स डालकर, जिसे हम पैराकेन बोलते हैं। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर दोनों आईज में, राइट आई लेफ्ट आई, ब्लिंक। उसके बाद एक फ्लोरोसिन डाई का यूज किया जाता है जिससे हम आईज को स्टेन करते हैं। अंजू कुमारी, ऊपर अंजू कुमारी। सो ये एप्लेनेशन टोनोमीट्री एक स्पेशल मशीन के द्वारा की जाती है, जिसे हम एप्लेनेशन टोनोमीटर बोलते हैं, जो कि स्लिट लैंप पर रहता है। इसी टेस्ट के साथ हम एक और टेस्ट भी कर लेंगे जिसको हम TBUT बोलते हैं, जिससे हम ड्राई आई का पता लगा सकते हैं कि किसी को ड्राई आई तो नहीं है। इधर रखना होगा, पेशेंट को स्ट्रेट देखने को बोलते हैं, और ये इंस्ट्रूमेंट
आँख के बहुत हल्के से टच कर ही हम प्रेशर का जांच कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे आई का प्रेशर चेक किया जाता है। स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट, ओके। अब एक बार कॉर्निया का दोबारा से जांच किया जाता है। ब्लिंक, ओपन, ओके, अभी ब्लिंक नहीं करना। तो नेक्स्ट स्टेप होता है रेटिना एग्जामिनेशन। रेटिना मतलब आंख का पर्दा। रेटिना को देखने के लिए हम लोग आंख में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं जिसको हम डायलेटिंग ड्रॉप्स कहते हैं। इन ड्रॉप्स से आंख की पुतली जो है वो फैल जाती है और हम एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम ऑप्थाल्मोस्कोप कहते हैं उससे हम रेटिना को देख सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं ये कैसे। सो यू आस्क द पेशेंट टू जस्ट लाई डाउन and patient is advised to look at a thumb as a target. So हम patient को बोलते हैं कि वो अपने thumb की तरफ देखे, जहां जहां thumb घुमाएंगे वहां मरीज को अपनी आंख घुमानी होती है। इस procedure से हम patient का पूरा 360 degree retina examine करते हैं, जिससे कोई भी प्री एग्जिस्टिंग अगर डिजीज है तो वो हमें दिख जाए। शो मी योर अदर हैंड, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक टुवर्ड्स योर थंब, अपने अंगूठे की तरफ देखो। एंड दिस वे वी एग्जामिन both the eyes of the patient. Now this we have examined full 360 degree of the left eye. और इसी तरह हम दूसरी आंख का भी पूरा पर्दा चेक करते हैं। ये रोशनी sometimes it's quite bright. ओके, दिस इज डन। इसके बाद जब सब टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है तो फाइनली एक लेसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर पेशेंट को देखते हैं और उनको फाइनल गो अहेड देते हैं। ओके, सो आपका सारा रिपोर्ट्स सही आ रहा है और हम इसमें लेसिक कर सकते हैं। एक बार आपको लेसिक के बारे में सारा डिटेल्स एक्सप्लेन कर देते हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे टेस्ट जो हैं ये हम लोग उस दिन करते हैं जब आप फर्स्ट टाइम लेसिक स्क्रीनिंग के लिए आते हैं। अब जिस दिन पेशेंट लेसिक करवाने आता है उस दिन लेसिक से पहले हम दो और टेस्ट करते हैं। जो पहला टेस्ट है उसको हम कहते हैं PMT, जिसमें हम लोग एक चश्मे का फाइनल नंबर निकालते हैं जो ट्रीट किया जाता है। और जो दूसरा टेस्ट है वो हम उन पेशेंट्स में करते हैं जो लोग कंट्यूरा विजन लेज़र सर्जरी के लिए ऑप्ट करते हैं। उसमें हम आई के कुछ मैप्स निकालते हैं, जो मैप्स हम फाइनली लेज़र मशीन में फीड करते हैं और उनके बेसिस पे कॉर्निया की ट्रीटमेंट होती है और इररेगुलरिटीज़ को हटाया जाता है, जिसकी वजह से आपकी विजन जो है बाकी लेज़र या स्माइल प्रोसीजर से और शार्प आती है। मैम चश्मा उतार के रख दीजिए, यहाँ पे। मैम अभी एक आपका फाइनल नंबर चेक करेंगे,
जिसके बेसिस पे आपका सर्जरी प्लान करा जाएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है? सामने देखिए, पढ़ा जा रहा है अभी? पढ़िए ए बी सी डी, हम जो जो वहाँ पे लिखे हुए लेटर्स वो पढ़ दीजिए, कुछ समझ आ रहे हैं? एफ टी, या ये और बेटर हो गया? एफ टी सी एच के वी जेड। मैम टी को देखिए, अभी ज्यादा क्लियर है या अभी ज्यादा क्लियर है? ये ज्यादा बेटर है या अभी? अभी, अभी बेटर है या अभी? अभी। अब पढ़िए,